I'm okay, you can sit. Thank you so much. इस समय मुझे पापा को कॉल, तो उनका कोई कनेक्शन नहीं। देविका का सच आया तीरथ और सुमन के सामने। देविका ने और कृतिका ने मांगी सुमन और तीरथ से माफी। सीरियल सुमन इंदौरी का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग है। वेल, आप देखेंगे कि कैसे कमरे में से चीखने की आवाज सुनकर देविका और तीरथ दोनों पहुंचते हैं। सुमन कमरे का दरवाजा खोलती है और कृतिका की बुरी हालत को देखते ही देविका हो जाती है आग बबूला और बरस पड़ती है सुमन पर। इतना ही नहीं, वो सुमन को धमकाती भी है कि तुमने मेरी बहन की हालत करने की हिम्मत की कैसे। मौका देखकर सुमन कृतिका के तमाम कंफ्रंटेशन वाले वीडियो को चला देती है, जिससे तीर्थ और देविका दोनों के सामने कृतिका के पागल ना होने का सच सामने आ जाता है। सही कह रही है, गुड आइडिया। मैं तो कह रहा हूँ सबको बुला लीजिए, सबको ही नहीं, आसपास के लोगों को भी बुला लीजिए और बता दीजिए। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, इस बार ओनली ना सुमन जी बहन आपकी बहन भी होगी, और क्योंकि आप इसकी बड़ी बहन हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत कीचड़ ना, आप ही पूछ लीजिए। तीर्थ भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसकी हालत तो देखिए, कितना मारा है इसे। तीर्थ, तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो? क्योंकि कृतिका तुम्हारा सच सामने आ चुका है। अपने आप को बचाने के लिए देविका कृतिका पर सारा इल्जाम डालती है और उसे ही पीटने लगती है और खरी खोटी सुनाती है। लेकिन तीरथ को सारा प्लान समझ आ जाता है। तीरथ बता देता है कि कैसे देविका ही इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड है, लेकिन वो ये बात घर वालों को नहीं बताएगा और एक अच्छे दोस्त की तरह कृतिका को इस घर में ही रहने देगा, क्योंकि जाने अनजाने ही सही उसी के वजह से कृतिका का दिल टूटा तो है। और फिर तीर्थ सुमन को भी समझाता नजर आता है कि किसी के होने ना होने से हमारे प्यार पर फर्क नहीं पड़ेगा। अंत में देविका सुमन और तीर्थ दोनों से माफी मांगते नजर आती हैं। मैं कहाँ जाऊंगी, इतना दिन तो पापा ने भी सारा रिश्ता तोड़ दिया ना मुझसे। अब अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने इतना बड़ा झूठ बोला तो मुझे कभी कभी माफ नहीं करेंगे। दीप, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। दीप, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ये भी नहीं पता कि इनके पापा ने असली पेड़ को छोड़ दिया या फिर ये भी एक नया नाटक है। इस समय मुझे पापा को कॉल, तो उनका कोई कनेक्शन नहीं, उन्होंने तो हम दोनों से रिश्ता तोड़ दिया, उनके लिए उनकी दोनों बेटियां मर चुकी हैं। प्लीज प्लीज तू जा यहाँ से। दीदी, मैं कहाँ जाऊँगी? I don't know, सड़क पे रह, तू बाहर पे जा, तू झरनों पे जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे ससुराल से बाहर जा, तो बात से तू प्लीज। दीदी 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 अभी आपकी ओवर एक्टिंग करना कैसे काम है? देखिए, आपकी कृतिका में ना इतना दिमाग है नहीं कि सारा प्लान बना सके, और आप कृतिका की बड़ी बहन है, आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग है, एक्स्ट्रा चल रहा है, तो ये सारा प्लान है ना वो आप ही का खेल रहा होगा कि कान आप ही का है, ये तो फॉर श्योर है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत है समझ। देखिए, मैं जानता हूँ कि ये फैसला सही हो या गलत, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब देखिए, मेरी वजह से कृतिका को कटू, तू चल। हाँ दीदी, एक मिनट, अगर कृतिका यहाँ रह रही है तो उसका सच भी पूरे परिवार को पता चलना चाहिए। मैं जानती हूँ नेताजी, आपका फैसला है, चीज कृतिका यहाँ रहने वाली है, वो डिस्टर्ब नहीं करेगी, लेकिन सीरियल सुमन इंदौरी से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।